सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास में मैं उनके साथ सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी साथी फटाफट लाइव आ जाइए, यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ए रटने से, बी कह रहे हैं ज्ञान के स्थानांतरण से, सी कह रहे हैं अभिनव तथा नवीन अर्थ खोजने से, और डी कह रहे हैं से कोई नहीं। तो बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सही आंसर क्या है। जल्दी से सभी साथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। फटाफट कमेंट साथी कमेंट सेक्शन में सही क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है? जी हाँ, सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। आप सभी साथियों के आंसर आने प्रारंभ हो चुके होंगे। विकल्प नंबर सी, जी हाँ, विकल्प नंबर सी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। सी द राइट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर फ्रेंड, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी सबमिट करने कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। जी हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग वीडियो के बाद शेयर कर दीजिए। फ्रेंड, आप सभी साथी फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विकल्प नंबर सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। एक बार सभी साथी को मेरा नमस्कार। एक बार सभी साथियों को मैं पुनः स्वागत करता हूँ सभी का क्लास में। नमस्कार, राधे राधे सभी को। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रदर्शन, स्व प्रेरित करना, दूसरे के संवेगों को पहचानना, सजीव में विभेदन करने की क्षमता रखना। क्या फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जल्दी से अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, कमेंट करके बताना फ्रेंड आपको, जल्दी जल्दी बताइएगा। कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताना फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सभी साथी फटाफट अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट सेक्शन टाइप करें फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए, आपके कमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों लगता है? जी हाँ, चलिए, डी डी डी, बिल्कुल विकल्प नंबर डी आंसर आया है। बहुत ही सही, बिल्कुल सही जवाब है इसका भी। सजीवों में विविधता रखने की क्षमता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संवेगों का प्रवर्धन यह संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। अस्वाद प्रेरित करना यह भी तत्व नहीं है। और संवेगों को दूसरे के संवेगों को पहचानना यह भी नहीं है। और तो विकल्प नंबर डी से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर फ्रेंड, डी संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, बाकी सभी संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थी की तनाव संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श उपयुक्त सभी से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड, आई होप सभी साथियों के जवाब 100% सही होंगे, क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के तनाव संबंधित समस्या को दूर किया जाता है। एक क्वेश्चन और आप सभी लोग बताया फ्रेंड कि तनाव संबंधित, जी हाँ, तनाव संबंधित अधिगम अक्षमता को किस नाम से जानते हैं? तनाव संबंधित अधिगम अक्षमता को किस नाम से जानते हैं? आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड। जी हाँ, उपयुक्त नंबर डी आया इसका भी जवाब। बहुत बढ़िया, डी द राइट आंसर, डी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। चलिए, विकल्प नंबर डी डी, आप सभी के कमेंट क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही लगता है, चेक करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। मिनट रुक जाइए, हाँ
चलिए फ्रेंड, आते हैं प्रश्न। तनाव संबंधित समस्या दूर की जाती है, तो विकल्प नंबर डी। डी आपके कमेंट लगता है वीडियो को शेयर नहीं किया गया क्या? आपके कमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा लोगों के। जी हाँ, देखिए फ्रेंड, इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प नंबर सी, निर्देशन एवं परामर्श से। निर्देशन एवं परामर्श से तनाव संबंधित समस्या को दूर किया जा सकता है। डी इसका जवाब नहीं होगा, वो गलती से मिस्टेक हो गया था। तो इसका जो जवाब होगा फ्रेंड होगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि शिक्षण नियंत्रण इन सभी से क्या है, शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है, अध्ययन अध्यापन संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है, लेकिन तनाव संबंधित समस्या को दूर करने का जो रास्ता है वह निर्देशन और परामर्श है। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप है, जी हाँ, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे हैं पियाजे, पियाजे, आसुबेल, रिचर्ड मैक, रिचर्ड सकमैन, डीवी। बताया फ्रेंड, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप, जी हाँ, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया है? फटाक से आंसर कमेंट करके बताएं, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? पियाजे, आसुबेल, रिचर्ड सकमैन और डीवी। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए सही जवाब क्या होंगे? जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। चलिए, डी 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 और बी दो साथियों के आंसर आए हैं अभी तक कमेंट में। सभी साथी फटाफट लाइव आइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर लिखें, बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए, विकल्प नंबर डी और डी, डी और बी, जी हाँ, डी और बी आंसर आ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक कुछ साथियों के जवाब सही हैं, जिनके जवाब सही हैं उनका ऑप्शन है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जो जिन्होंने दिया है उन सभी का नाम है फ्रेंड आसुबेल। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट। कौन सा यहाँ पर फ्रेंड अनुदेशन सामग्री का भेद नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट। फटाक से बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए भैया, छपी सामग्री या अनुदेशन सामग्री है, ट्रांसपेरेंसी यह भी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशन सामग्री नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर आपके अनुदेशन सामग्री है। जो नहीं है फ्रेंड वो है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है भाई, कि जो सी है आपका वह आपका अनुदेशन सामग्री नहीं है, बाकी सारे आपके अनुदेशन सामग्री हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, आत्म संप्रेषण कहते हैं फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी साथियों के जवाब इसके सही होने चाहिए। समूह संप्रेषण को, जन संप्रेषण को, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण को या अंत व्यक्तिक संप्रेषण को। फटाक से बताएंगे फ्रेंड कि आत्म संप्रेषण को कहते हैं, जल्दी से बताइए किसको आत्म संप्रेषण के श्रेणी में रखते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अनुदेशन, जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन का मतलब होता है फ्रेंड किसी को मार्गदर्शन प्रदान करना, जी हाँ, किसी को मार्गदर्शन प्रदान करना ही अनुदेशन कहलाता है। जैसे क्या होता है, यदि कोई बालक को आप कुछ उचित राह, एक उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हैं तो उसे अनुदेशन करना कहा जाता है। जी हाँ, आत्म संप्रेषण की बात कर लेते हैं, तो आत्म संप्रेषण कहते हैं आपके लिए विकल्प नंबर सी। साथी कमेंट कर रहे हैं, देखिए, हाँ चलिए, सी और सी सी आंसर आ रहा है। और भी सभी साथी आंसर कमेंट में बताएं क्वेश्चन नंबर छः के लिए, जल्दी से बताइए। देखिए, समूह संप्रेषण तो होगा नहीं, न जन संप्रेषण होगा, अंतर व्यक्तिक नहीं फ्रेंड, या अंत व्यक्तिक होगा। जी हाँ, अंतर व्यक्तिक होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड, अंत व्यक्तिक संप्रेषण होगा। अंत व्यक्ति का मतलब जब फ्रेंड कि जब व्यक्ति अपने आप से स्वयं से बातें करता है और अपने अंदर से बात, मतलब अपनी कहता है अपनी अंदर से क्या है, अपने अंदर से विचारों से बातें करता है, भावनाओं में बातें करता है, तो उसी को अंतर व्यक्तिक संप्रेषण करते हैं, जिसे आत्म संप्रेषण भी कहा जाता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? प्रतिगम, साचर, क्षतिपूर्ति या उदातीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है फ्रेंड? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है।
जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिगम होगा, साचर होगा, क्षतिपूर्ति होगा, उदात्तीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है फ्रेंड, फटाक से बताएं। प्रतिगम होगा, साचर होगा, क्षतिपूर्ति होगा या उदात्तीकरण होगा। पूछा जा रहा रक्षात्मक क्रिया विधि नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सा इसमें रक्षात्मक क्रिया विधि है। प्रतिगम है, क्षतिपूर्ति है, उदात्तीकरण है, ये सारे आपके रक्षात्मक क्रिया विधि हैं जो नहीं है फ्रेंड और साचर है। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य एक तरफा, दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा या दृश्य दो तरफा। यह क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक प्रकार का दृश्य और श्रव्य दो तरफा आपका संचार माध्यम है, इसलिए विकल्प नंबर 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है आप सभी का। जी हाँ, सी इज राइट आंसर। आगे चलेंगे अधिगमकर्ता। जी हाँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा, जी हाँ चलिए बताइए। अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विभिन्न अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए या अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। बताइए भाई, किस प्रकार से शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताएँ प्रदर्शित करने वाले बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। फटाक से आंसर कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि जब आपकी कक्षा में भिन्न भिन्न रुचियों वाले, भिन्न भिन्न बुद्धिलब्धि वाले, भिन्न भिन्न मानसिक योग्यता वाले अगर छात्र हैं तो आपको उनके अधिगम कराने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों को प्रयोग में लाना चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव को लाभ उठाकर ही आप उनको शिक्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई। व्यक्तिगत, जी हाँ, व्यक्तित्व की व्याख्या हेतु अधोलिखित सूची में से किसने अंतानारी तथा अंतनर की अवधारणा प्रस्तावित किया। फ्रायड ने, यंग ने, एटलर ने तथा एरिक फ्रॉम ने। बताएं फ्रेंड, व्यक्तित्व की व्याख्या हेतु अधोलिखित सूची में से कितने अंतःनारी तथा अंतःनर की अवधारणा प्रस्तुत की। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अंतःनारी और अंतःनर, ये जो दो फैक्ट आपकी, इसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए, ए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग डी कमेंट कर रहे हैं। चलिए, इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह है विकल्प नंबर 3। एडलर इज द राइट आंसर। एडलर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, चलिए विकल्प नंबर बी एंड, जी हाँ, बी और डी। चलिए, बी विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एडलर इज द राइट आंसर। एडलर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, किसे विषय पर सर्वाधिक अद्यतन सूचना स्रोत से प्राप्त होती है। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किसी विषय पर सर्वाधिक अद्यतन सूचना स्रोत किससे प्राप्त होता है। विश्वकोश से, इंटरनेट से, अकादमिक पत्रिकाओं से या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से। बताइए फ्रेंड, यह बिल्कुल दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के जवाब इसके लिए बिल्कुल सही जवाब सही होंगे। जी हाँ, किसी भी स्रोत के बारे में आपको अगर जानकारी प्राप्त होनी होती है तो सबसे पहले आप किस माध्यम का सहारा लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, अपने अनुभव शेयर करिए, जवाब आपके सही होंगे। आप सभी लोग वर्तमान समय में जिस भी वस्तु की जानकारी चाहते हैं आप किसका सहारा लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। बी इज राइट आंसर। इंटरनेट का सहारा लेते हैं हम सभी लोग, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट इज द राइट आंसर। जी हाँ, इंटरनेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर जो है हमारा बी। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने या कोहलर ने। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पर सामाजिक या सोशल कल्चरल थियरी की बात होती है, सामाजिक सिद्धांत की बात होती है,
तो एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम ध्यान में आता है, इसका नाम यहाँ पर आपतन में भी है, आप सभी लोग भी जानते हैं जी हाँ, जिसने एक बच्चे के विकास में समाज को अधिक महत्व दिया है। अपेक्षाकृत संज्ञान के समाज को सबसे अधिक महत्व दिया है एक बच्चे के मानसिक विकास में। जी हाँ, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं जी हाँ, बहुत अच्छा। वाइगस्की द राइट आंसर, सोशल कल्चरल थियरी, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत देने वाले वाइगस्की ने को सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत का जनक कहा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, वाइगस्की इज द राइट आंसर, वाइगस्की ने इसका, जी हाँ बिल्कुल, वाइगस्की इज द राइट आंसर। वाइगस्की का एक संप्रत्यय है जेड पी डी। जी हाँ, वाइगस्की का एक संप्रत्यय है समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जहाँ से अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आप याद रखिएगा कि जेड पी डी का संप्रत्यय वाइगोस्की ने दिया है। जी हाँ, आगे क्वेश्चन में अगर आएगा तो हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर जेड पी डी और एसक्यूएफ फंडिंग होता क्या है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, जी हाँ, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत को किसने दिया है? काफ़ी बार हम लोग इस प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आई होप इसके जवाब आप सभी के सही होंगे। सभी लोगों के जवाब इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही होंगे। अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्रायड, कार्ल यंग या गॉर्डनर, बताइए फ्रेंड क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं लगभग लगभग, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, क्योंकि काफ़ी बार इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं, इसलिए इसका जो जवाब होगा होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिन्होंने मन को तीन भागों में विभाजित किया है, जिसका इन्होंने चेतन मन, अचेतन मन तथा अचेतन मन, तीन प्रकार से मन को बांटकर जो है अध्ययन किया है और अपने सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है। आगे बढ़ेंगे। जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, उन्हें सीख लिया जाता है, यह किस नियम के तत्पश्चात होता है? जिन क्रियाओं को करने पर व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, ऐसा किस नियम के अनुसार होता है? अभ्यास के नियम के, तत्परता के नियम की, प्रभाव के नियम की, या सापेक्षता के नियम की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो आसानी से आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। प्रभाव के नियम को एक संतोष का नियम कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस कार्य को करने पर बालक को संतोष की प्राप्ति होती है, बालक उस कार्य को बार बार करना चाहता है, अर्थात सीख लेना चाहते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रभाव का नियम या संतोष का नियम जिसे कहते हैं, वही यहाँ पर फॉलो होगा, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। सी द राइट आंसर, सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान है, यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आई होप सभी साथियों के जवाब 100% सही होने चाहिए। मानव विज्ञान है, अनुपयुक्त विज्ञान है, या विशुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त में से कोई नहीं है? फटाक से बताएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार का अनुपयुक्त विज्ञान है, क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, यह भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपयुक्त सभी से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे? अधिगमकर्ताओं से भी है, अधिगम प्रक्रियाओं से भी है, अधिगम स्थितियों से भी है। इसका मतलब विकल्प नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध दिए गए सभी विकल्पों से है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। मानव विकास परिणाम है जैविक कारकों का, वातानुगत एवं वातावरणीय कारकों का, सामाजिक कारकों का, या आत्तीकरण कारकों का? पढ़ा के बताएं फ्रेंड, मानव विकास किसका परिणाम है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे कि मानव विकास किसका परिणाम है। पढ़ा के बताएं फ्रेंड कि मानव विकास किसका परिणाम है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड यह भी, आप सभी के जवाब इसके भी बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति के विकास में 99% जो योगदान होता है फ्रेंड, होता है वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है।
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। श्रृंखला अधिगम का संबंध है, जी हाँ श्रृंखला अधिगम का संबंध है टॉलमैन से, गैने से, थान राइक से या ब्रूनर से। तो भैया यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सीरीज लर्निंग प्रिंसिपल जिन्होंने दिया है फ्रेंड, उसका नाम है रॉबर्ट गैने। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल सही जवाब होंगे। बी इज राइट आंसर। सीरीज लर्निंग प्रिंसिपल जिन्होंने दिया है फ्रेंड, उनका नाम है रॉबर्ट गैने, इसलिए विकल्प नंबर बी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। किशोरावस्था तूफान तनाव तथा संघर्ष की अवस्था है, यह किसने कहा है? कौन ने? विलियम मैकडुअल ने, स्टेनले हाल ने या ब्रिक्सन ने? आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 to 30 टाइम मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, करा चुका हूँ, तो इसलिए आप सभी को ये क्वेश्चन रट जाना चाहिए, कुछ भी रुकना नहीं है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, आप सभी के जवाब 100% सही हैं। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे आज के प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, या उपयोग सभी। तो भैया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बिल्डर नूटी। डी इज द राइट आंसर। क्योंकि शिक्षक को अपनी कक्षा कक्ष में इन समस्त कार्यों को वरीयता देनी चाहिए, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। तो ये था आज का आपका कंप्लीट क्लास, क्लास समाप्त हो चुकी है फ्रेंड। जितने भी साथी देर से आए हैं वीडियो को पीछे करके आप पूरा क्लास फिर से देख सकते हैं, और बाकी जितने भी लोग कंटिन्यू क्लास में लगे हुए हैं अपने अपने स्कोर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।